बड़ी खबर आपको बता दें, संभल में हुए बुलडोजर एक्शन पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने नाराजगी जताई है। ओवैसी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर लिखा, संभल में आज जो बुलडोजर एक्शन हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के मुताबिक 15 दिन की नोटिस होनी चाहिए। जिनका घर टूटने वाला है उन्हें अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए और बुलडोजर को किसी मुजरिम को सजा देने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। योगी सरकार एक पूरे समाज को सजा दे रही है। उनका जुर्म बस यही है कि उन्होंने अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल किया। जो सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश नहीं मान सकती, वो सरकार संविधान के मुताबिक काम नहीं कर रही है। क्या ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक है? बता दें कि संभल में एक बार फिर अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू हो गया है, जिसमें कई दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, संभल में हुए बुलडोजर एक्शन पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने नाराजगी जताई है। ओवैसी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर लिखा, संभल में आज जो बुलडोजर एक्शन हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के मुताबिक 15 दिन की नोटिस होनी चाहिए। जिनका घर टूटने वाला है उन्हें अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए और बुलडोजर को किसी मुजरिम को सजा देने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। योगी सरकार एक पूरे समाज को सजा दे रही है। उनका जुर्म बस यही है कि उन्होंने अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल किया। जो सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश नहीं मान सकती, वो सरकार संविधान के मुताबिक काम नहीं कर रही है। क्या ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक है? बता दें कि संभल में एक बार फिर अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू हो गया है, जिसमें कई दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया है।